समीपस्थ ग्राम पटेवा में मनरेगा कार्य के तहत मनरेगा कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी में भारी कटौती का मामला सामने आया है। वहीं अन्य अनियमितता देखने को मिली। गांव में इस बार 4 तालाबों का गहरीकरण व सफाई कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में गांव के 1200 ग्रामीण प्रतिदिन यहाँ काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए पंचायत को लाखों रुपए की राशि भी शासन प्रशासन द्वारा स्वीकृत की गई है, पर जिन्हें काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कोई भी अपने काम को सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। गोदी कार्य का सही नापजोक नहीं हो रहा है और ऐसे ही अनुमानित आंकड़ा निकालकर भर दिया जा रहा है, जिसका पूरा खामियाजा गरीब मेहनती मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में मनरेगा के लिए नियुक्त मनरेगा प्रभारी व मेट भी सभी कार्यों से अनजान बने हुए हैं। ये सभी अपने जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाते, यही वजह होती है कि फिर इंजीनियर द्वारा इनका पैसा जितना काम उतना दाम की बात करते हुए काट लिया जाता है। आज जब DNX रिपोर्टर की टीम पटेवा गांव में मनरेगा के नाम पर हो रहे गड़बड़ी व शिकायत की हकीकत जानने पटेवा गांव के भाटा पारावा भूतहा तालाब पहुंची, जहाँ 5-5 लोग वार्ड से लगभग 400 लोग दोनों जगह पर कार्य कर रहे थे। काम कर रहे अधिकतर मजदूरों ने बातचीत में बताया कि शासन द्वारा 190 रुपये प्रतिदिन की रोजी निर्धारित है, बावजूद इंजीनियर द्वारा 150 रुपये की निर्धारित कर देना समझ से परे है। मनरेगा में काम कर रही शशिपाल, मंदाकिनी तारक, सगरी तारक, हेमलता निर्मलकर, माहेश्वरी तारक व देवती तारक, देवलाल साहू, बिशहन साहू, बुधियारिन तारक, रेखा साहू, सरिता साहू, कंस बाई, थलेश्वरी साहू, कुमारी साहू, देवकी बाई आदि ने बताया कि 190 रुपए मूल्य मजदूरी निर्धारित भी मात्र 150 रुपए भर देना समझ से परे है। सुबह से मेहनत कर पसीने बहाने वाले ये मजदूर इतने बेबस हैं कि अपने साथ होने वाले इन शोषण की शिकायत तक नहीं कर पाते, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मिले हैं और जो शिकायत करता है उसे परेशान किया जाता है। बस इसी बात से ये सभी आपस में मन मसौट कर रह जाते हैं। पटेवा गांव में मेट व रोजगार सहायक द्वारा अनियमितता का खेल यही समाप्त नहीं होता, बल्कि मेट पंजी में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली, जहां वास्तविक कार्य दिवस का मिलान मेट पंजी से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो कई जगह ऐसे हैं जहां मजदूरों का उस दिन की कार्य पर आने न आने की जानकारी भी ठीक तरह से उल्लेखित नहीं है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि जनपद से नियुक्त मेट के अतिरिक्त इन मेटों ने अपने और सहायक बना रखे हैं और ये सभी गोदी का तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन दाम मजदूरों के बराबर ही लेते हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि गांव में मनरेगा कार्य के चलते हो रही अनियमितता पर शासन प्रशासन की आंख कब खुलती है और यहां जांच के लिए टीम भेजती है। सहायक प्रवीण साहू ने मनरेगा से जुड़े बातों पर तो चुप्पी ही साध ली। वहीं अनेक ऐसे मजदूर हैं जिनके पिछले वर्ष की राशि में लंबित है राशि कटौती के संबंध में मनरेगा इंजीनियर राकेश सोनी ने कहा कि मजदूर जितना काम करते हैं उतना ही भुगतान किया जाता है। रही बात नापजोक में खाना पूर्ति की, तो स्वयं इस मामले की जांच के लिए जल्द ही कार्य स्थल का जायजा लेंगे। इस पूरे मामले में SDM सूरज सिंह और CEO ने जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का भरोसा दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस बार शासन प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच व रोजगार सहायक को आदेश दिया गया है कि पंच सरपंच को कार्य करने के एवज में ही भुगतान किया जाएगा और तब उनका नाम मेट पंजी में एंट्री हो, साथ ही पंच को किसी भी हाल में मेट कार्य करने की बात उल्लेखित है। बावजूद इसके एक दो पंच व सरपंच को कभी कभार छोड़कर कोई भी गोदी कार्य का नहीं करता और फिर भी उनका नाम इस कार्य में एंट्री हो रहा है। इस पर गांव के सचिव घनश्याम साहू ने भी जांच की बात कही। ग्राम पंचायत भेनमती पाल ने भी कार्य स्थल पर और सक्रियता बढ़ाकर मजदूरों को हर संभव मदद की बात कही। DNX TV के लिए राजिम से विशेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। गोदी काम चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। यहाँ आज 9वां दिन है, 9वां दिन है आज। हम लोग सवेरे 6 से 8 बजे तक काम करते हैं, सब रोजी में काम करते हैं। आप लोग को पता है आपकी रोजी कितनी है? 150 रुपया। लेकिन गोदी जो काम है इसमें 190 रुपये का उल्लेख है। हाँ, तो क्या आप लोग 150 में क्यों तैयार हो जाते हो? यहाँ इंजीनियर आया था, वो बोल रहा था कि इंजीनियर क्या नाम है जानते हो? नहीं पता, हम पूछ रहे हैं। वो बोल रहा था कि ग्राही कम रहता है, इसी वजह से पैसा कट के आ रहा है करके। अच्छा, कहाँ से? अभनपुर जनपद से आए थे इंजीनियर। हाँ, आप लोग को लगता है कि हराई लोग प्रॉपर कर रहे हो? हाँ, सही स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ अच्छा चल रहा है काम।
जी। पंच सरपंच काम करते हैं पर? नहीं करता, उन लोग मेट काम करते हैं और मतलब देख रेख करते हैं। आपका नाम? टिकेश्वर तारा। यहाँ पर जो काम हो रहा है संबंध में क्या है आप लोग को? यहाँ का मासन गोदी कोई हफ्ता पैसा भी नहीं आए। कितने दिन से काम कर रहा? अब अभी रे 3 हफ्ता हो है, मतलब अगले समय के पैसा नहीं मिले। इस बार का पैसा तो प्रॉपर आ रहा हूँ। अभी कितने रुपए रोजी के हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है? अब कोई बोला थे 120 रुपया के दर से देते, बोला था कोई बोला थे 150 के दर से देते। आपको कितने रुपए के दर से बताया गया है? 200 सबका 200 था। चलिए आपका नाम बताइए जी। मैडी यहाँ पे जो काम चल रहा है गोदी का आपके गांव में जी, उसके संबंध में पूरी जानकारी बताइए। ये जो काम है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मजदूर 280 करीब मजदूर काम कर रहे हैं और ये काम करीब अमाउंट कितने का? 9 लाख अमाउंट आया है जिसमें मटेरियल का भी है और साथ में वो पचरीकरण भी होना है साथ में, तो उसका भी साथ में है और ये करीब 2 सप्ताह काम चलने वाला है। अभी कितने रुपये रोजी मिलेगा इन लोगों को? अभी तो 290 190 का है एक्चुअल रेट, लेकिन वही है जैसे काम होता है उसके हिसाब से मजदूरी देना है करके, तो वहाँ से वो सेंक्शन होता है वो अलग चीज है, लेकिन 190 के हिसाब से ही बनता है। अभी कार्डधारी लोग मुझे बता रहे थे इनको 150 रुपए में रोजी के रूप में फाइनल किया गया है। हाँ, तो वो, ये सब कौन किया? वो सब जैसे ही जो भी इंजीनियर जो है वो एस्टीमेट देखते हैं, काम देखते हैं और उसके हिसाब से वो करते हैं काम के हिसाब से। इंजीनियर का नाम? राकेश सोनी जी। आपका नाम? अजय कुमार पाल। गोदी काम चल रहा है इस संबंध में आप बताइए आपको क्या पता? यहाँ मान गड्ढा कोड़ा था ना, वो अभी जो 1-2 हफ्ता का मान थे कर पैसा है, अभी 150 माह है और मेट माला बोलता तो मैं इंजीनियर पास नहीं कर रहा थी करके बोलते, तो पैसा कहाँ से कटा थी हमन यही जानना चाहते और इतना मेहनत करे बाद भी हमारा 150 मिला थे, कोई यह नहीं हमला पूरा मजदूरी मिलना चाहिए हमला। मेट जी को आपने मेजरमेंट कर, मेट लोग मेजरमेंट करते हैं आप लोग को करने के बाद नाप तो करते हैं? इंजीनियर आके उस दिन और नापा था। हाँ। तो वहाँ छने रहो ओकर बाद फिर नाप के लेगी से 150 डाल दे। आपने इसकी कंप्लेन की है क्या, शिकायत की? कंप्लेन कहाँ से करबो भैया, हमन तो आगे तक गए चिन्हन, हमन गरीब आदमी हैं तब हिच कर ले रहा था। आप जॉब कार्ड धारी है? मनरेगा जॉब कार्ड धारी? जॉब कार्ड नंबर 135 है। दिखाना चाहेंगे आप कितना गहरा काम करते हैं? आप नाप लीजिए ना सर, गड्ढा का नाप हरे है। ठीक है, आपका नाम बताइए। गावकुरन तारक पटेवा। ठीक है, अरे जी बताइए। आज 9वां दिन है, गोदी चला थे। हाँ, गोदी चला थे यहाँ 150 देवत रोजी कट के आवत। आपके पास मनरेगा का जॉब कार्ड है? हाँ। आपको पता है जॉब कार्ड के अनुसार 190 रुपए हितग्राही को मिलना चाहिए। हाँ। तो आप 150 रुपए में क्यों काम करने के लिए तैयार? वो बोलते कि यहाँ गहराई कम दिखा देते कि तमन गहराई देवतान और यहाँ से माटी बहुत दूर सड़क तक ले जाते। वो कौन बोलते हैं? इंजीनियर बोला थे। पंच सरपंच लोग काम करते हैं यहाँ पे? पंच सरपंच आते हैं यहाँ पर देख रेख करते हैं पूरा। गोदी काम नहीं करते? गोदी काम नहीं करते, देख रेख करते हैं पूरा जनता के। नाम आपका? शशि पाल। सही है, क्या आप समस्या? 2019 के बाद में जो काम चले है ना वहाँ पैसा मतलब मिले नहीं है, ओकर में रोजगार से हट कर पर टिकट कोशिश करूँ दवा दे और पैसा दवा दे, लेकिन वो तो दवाबे नहीं करी सर। तो वहाँ रोजगार गारंटी खुली थे अभी 2020 में की है, तो अभी नहीं हो सके। बोला था वो बोला थे कि जनपद में जाके आवेदन लगा जनपद में, तो वहाँ जाके मिली या तो फिर काम बंद कर तब फिर यहाँ चढ़ाऊँ करके बोला था। अभी आपका काम कर रहे हो? हाँ। और काम में आपका नाम नहीं एंट्री हो रहा है क्या? नहीं, नाम तो एंट्री अभी होते बस वही मतलब ज्यादा कुछ नहीं। 2019 के जो पैसा नहीं मिले वही ज्यादा। कितना दिन का रहा होगा आपका? वही 6 दिन के, 1 हफ्ता के। ठीक है, आपका नाम? प्रमोद कुमार तारक। कार्ड नंबर? 570। जी यहाँ पर जो गोदी काम चल रहा है उसके विषय में जानकारी है? यहाँ सर 10 दिन से गोदी चल रहा है, सभी मजदूर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कितने वार्डों को काम हो रहा है यहाँ? 16 से 20।
सारे पंच आते हैं काम करने के लिए यहाँ पे? हाँ, पंच जो आते हैं देख रेख के लिए आते हैं, काम भी करते हैं जैसे उनको बनता वैसे। गोदी वगैरह में जैसे आप लोग करते हैं, इस तरीके से काम होता है क्या पंचों के द्वारा? पंच गोदी नहीं करते और लोग देख रेख करते हैं, कहाँ मिट्टी डालना है, कैसे करना है, वो सब चीज देख रेख। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार बघेल। जी मैम, यहाँ पर जो मनरेगा कार्य आपके गांव में चल रहा है उस संबंध में पूरी जानकारी मुझे बताइए। यहाँ चार तालाब का काम अभी चल रहा है जिनमें प्राय 1200 मजदूर जाते हैं और उनकी लागत राशि है लगभग 50 लाख पूरा मनरेगा कार्य का। मैम मुझे जो कुछ शिकायतें मिली हैं जैसे कि पिछले वर्ष का भुगतान एक व्यक्ति को नहीं हो पाया है, हाँ। तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? उसका देखेंगे ना, वहाँ जाकर प्रयास करेंगे उसके क्या गड़बड़ी है, क्यों नया है, सबको देखेंगे। पंच सरपंच आपके गाँव के काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, जाते हैं पूरे पंच जाते हैं, कोई पंच देख रेख करते हैं, कई पंच अपना गोदी भी खाते हैं। मुझे ग्रामीणों ने बताया कि लगभग उन्हें 150 रुपये रोजी के हिसाब से काम करने कहा गया है। नहीं नहीं, उनको कहा नहीं गया है, वो क्या है मजदूर है ना तो कम कर देते हैं गहराई को, इसी कारण उसका रोजी 150 आया है। तो मैम आप लोग जो मेट रखते हैं, मेट से प्रॉपर आप लोग मेजरमेंट कराइए, प्रॉपर काम कराइए ताकि इन्हें पूरा पैसा मिले, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बोलते हैं क्या है मजदूर ना, कई बार तो मजदूर अपनी मनमानी कर देते हैं, मेट लोग बोलते हैं, हम भी जाके बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं भाई पूरा काम करो, तो भी एक दूसरे को देख कर कोई ऐसा है जो नहीं करते उसका देखो भी करते हैं, और मजदूरी जब कम आता है तो चिल्लाते हैं हमको हमारी मजदूरी को कैसे काटा गया ऐसे करके। आपका नाम? ब्रेनमती पाल। आप गाँव के सरपंच? हाँ हाँ।